गकलू एक मंडप जैसी संरचना है जो किले की दीवारों के अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित है, जहां सैनिक आराम कर सकते थे और आसपास के इलाकों पर नजर रख सकते थे। असाधारण स्थितियों के दौरान यह एक कमान पोस्ट के रूप में भी काम करता था। किले की ऊंची जमीन पर एक कोने का मंडप बनाया गया था, जिसे कोरियाई भाषा में गाकलू कहा जाता है, आसपास के क्षेत्र पर नजर रखने और मनोरंजन के लिए उपयोग करने के लिए। मंडप महल के चारों ओर देखने और आराम करने का स्थान है और आमतौर पर अच्छे दृश्य वाले ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाता है। सुवोन हवा सुंग में चार मंडप हैं। उदाहरण के लिए उत्तर पूर्व मंडप, उत्तर पश्चिम मंडप, दक्षिण पूर्व मंडप, दक्षिण पश्चिम मंडप। नाम इस तथ्य से आता है कि हवा सुंग किले के चारों कोनों में से प्रत्येक पर एक ऐसा मंडप है। गकलू एक छोटे से शिखर पर स्थित है और इसका स्थान लोगों के लिए एक टावर के रूप में कार्य करता है, परिधि को देखने और आराम करने के लिए। यह आपातकालीन स्थिति में कमान पोस्ट के रूप में भी काम करता था। अतीत में प्रत्येक टावर सैन्य उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था, हालांकि वर्तमान में इसका उपयोग एक बेहतरीन पर्यटन संसाधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि सुवोन हवा सुंग किला मूल रूप से पूरी तरह से सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं बनाया गया था। प्रत्येक टावर मंडप सैन्य सुरक्षा के लिए अभिप्रेत नहीं था। ये कोरिया के अन्य किलों से अलग है। मुझे लगता है कि इसी कारण से इसे खूबसूरती से डिजाइन और निर्मित किया गया था। मुझे लगता है कि यही कारण है कि सु हवा सुंग किले को सुंदर निर्माण माना जाता है वर्तमान में। दक्षिण पश्चिमी कोने का मंडप, कोरियाई में सुह नाम गकलू। हवा सुन के दक्षिण पश्चिमी भाग में एक रणनीतिक स्थान पर निर्मित एक निगरानी सुविधा है और इसका उपनाम हवा यामलू रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दक्षिण पश्चिम कोने का टावर बनाने की कोई योजना नहीं थी। हवा सुन किले के निर्माण के प्रारंभिक चरण में साउथ वेस्टर्न कॉर्नर पवेलियन का स्थान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह इतना ऊंचा था कि पूरे किले का विस्तृत दृश्य दिखाई देता था। यह एक ऐसा स्थान है जहां से आप दक्षिणी क्षेत्र को एक नज़र में देख सकते हैं, इसलिए अगर इस पर दुश्मन का कब्जा हो जाए तो उस पर हमला किया जा सकता है। इसलिए बदला प्लान ये कोने वाला मंडप एक विस्तारित किले की दीवार के अंत में बनाया गया था, जो मुख्य किले की दीवार से जुड़ा हुआ था, और सुरनाम आमून गेट के बाहर एक लंबा खंड बनाया गया था और अंत में एक कोने वाला टावर बनाया गया। इमारत के सामने ईंटें बिछाई गईं ताकि जनरल सेना को कमान दे सकें। पीछे की ओर फर्श ऊंचा किया गया और खिड़कियां लगाई गईं ताकि लोग अंदर से आसपास का नज़ारा देख सकें। किम जंग जो ने 21वें वर्ष के पहले महीने में सुवोन हवा सुंग का दौरा किया कोरिया में, जो सन राजवंश का 1797 और हवा यामलू पवेलियन से शुरू करके पूरे किले क्षेत्र का निरीक्षण किया।